यूपी के बरेली नवाबगंज के थाना क्षेत्र हाफिजगंज में पुलिस का एक और काम सामने आया है, जिसमें एक महिला के द्वारा नौजवान लड़कों को फोन करके वो छात्र महिला एकांत में बुलाकर अपने पति के साथ उनके फोटो खींच लिया करती थी और उन्हें बांध कर मारपीट करती थी और नौजवान लड़कों के पास जो सामान हुआ करता था उसे लूट भी लिया करती थी। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें ग्रेम गांव के रहने वाले धर्मपाल को महिला ने फोन करके एकांत जगह पर बुलाया। धर्मपाल ने महिला से कहा कि मैं आपको जानता पहचानता नहीं हूं, तो आपसे कैसे मिल सकता हूं। धर्मपाल ने बताया जब वो अपनी बहन के घर पर जा रहा था तभी रास्ते में उसके साथ लूट जैसी घटना को अंजाम दिया गया और छात्र अपराधी महिला के साथ दबंगों ने मिलकर धर्मपाल के साथ लूटपाट की। मारपीट के बाद उसकी बाइक भी छीन ली। घटना को अंजाम देने वाले पेशेवर अपराधी हैं, जिसमें से एक अपराधी जिसका नाम बाबूराम उर्फ निराला है, उस पर 16 मुकदमे दर्ज हैं और उसका एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। थाना क्षेत्र हाफिजगंज में कल रात्रि में हुई लूटी घटना का सफल अनावरण करते हुए दो छात्र अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनसे लूटे गए पैसे तथा मोटरसाइकिल को बरामद किया है। इनमें से एक बाबूराम लगड़ा गाँव का रहने वाला है, जिसके ऊपर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे विभिन्न धाराओं के पंजीकृत हैं तथा दूसरा रामपुरा गांव का है, जिस पर भी 0.5 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। इनमें से जो इनकी मोटिस ऑपरेंडी थी, उनमें से एक अपराधी अपनी पत्नी से नए नए उम्र के लड़कों की बात कराता था और उनको एकांत में ले जाकर उनकी फोटो खींचता था और उनको ब्लैकमेल करता था, उनके पास जो पैसा और सामान होता था उसको छीन लेते थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।